अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपके साथ मैं जिन एयरबड्स का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, ये वाले एयरबड्स एप्पल को डायरेक्टली तौर पर टक्कर दे रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर। ये हैं टेक हंग पोर्ट्स प्रो 2, जो कि आते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ, प्रीमियम साउंड मिल जाती है, बूस्टेड बेस प्रोवाइड की गई है, टच टू स्लाइड वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, फाइंड माई बड़ी बैटरी, वायरलेस चार्जिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन पोर्ट्स प्रो के अंदर आप लोगों को 3 महीने की टेक हंग की जो ऑफिशियल वारंटी है वो भी मिलेगी। मतलब कि 3 महीनों तक अगर इनके अंदर किसी किस्म का कोई मसला आता है तो जो पीस है वो टोटली तौर पर आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं टेक हंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये पाकिस्तान का वन ऑफ द लीडिंग टेक स्टोर है, मतलब कि टॉप के ऊपर आते हैं। इनको मैं पर्सनली तौर पर काफी देर से फॉलो कर रहा था, तो उन्होंने हमें रीच आउट किया था। इनकी जितनी भी कंप्लीट टेस्टिंग है मैंने कर ली हुई है और आप लोगों के साथ में मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो शेयर करने वाला हूं कि क्या आप लोगों को इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि मैंने इसकी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली हुई है, जितने भी फीचर इनके अंदर हमें प्रोवाइड किए गए, चाहे वो ANC हो, चाहे वो साउंड की क्वालिटी हो, चाहे वो बेस की क्वालिटी हो, एक चीज मैं आपको पहले कह देता हूं कि भाई अगर आप लोगों ने इनको बाय करना है ना, तो लिंक को लाजमी तौर पर फॉलो कर लीजिएगा। जो प्रोडक्ट है ना, ये काफी ज्यादा सॉलिड है। अब अगर हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी। जब आप लोग पोर्ट्स प्रो 2 को बाय करोगे तो साथ में आपको एक प्रोटेक्टिव केस मिलेगा और जो मल्टी क्लीनिंग पेन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की पोर्ट्स प्रो 2 की, तो ये है इनका बॉक्स। बॉक्स के फ्रंट के ऊपर एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, जबकि टेक हैंग की ब्रांड के नीचे वाली साइड के ऊपर ऑफिशियल वारंटी को मेंशन किया गया। अगर हम बात करते हैं बॉक्स की बैक वाली साइड की, तो यहां पर इनके अंदर मिलने वाले जितने भी टॉप हाईलाइटिंग फीचर्स हैं उनके बारे में डिटेल मिल जाती है, जिनके बारे में आगे चलकर आप लोगों को मैं बताता हूं। लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर दिए गए कंटेंट्स की, तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें एक बुकलेट मिल जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन बाय टेक हंग इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का फ्लैग भी बना हुआ है, जिसको देखकर काफी ज्यादा मुझे खुशी हुई थी। क्विक स्टार्ट गाइड प्रोवाइड की गई है, जिसके ऊपर आप लोगों को वारंटी के रिलेटेड जो QR कोड है वो मिल जाता है, तो आप लोगों का कोई मसला आता तो आप लोगों ने इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को जितने भी इनके अंदर कंट्रोल्स में मिलते हैं टच वगैरह के, आप लोगों ने रीड कर लेना है कि कौन सा कंट्रोल किस तरह काम करेगा। इसके अलावा हमें बॉक्स के अंदर एक सेफ्टी की रोप मिल जाती है, जिसको आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। Type-C to Type-C चार्जिंग की केबल मिल जाती है, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है, तो इसके अंदर आप लोगों को Type-C to Type-C की चार्जिंग की केबल मिल जाती है, और एक्स्ट्रा एयर टिप्स भी हमें बॉक्स के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव केस प्रोवाइड किया गया उसकी क्वालिटी भी काफी डिसेंट है, जिसको आप लोग यूज करके अपने पोर्स प्रो 2 को प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्लस जो मल्टी क्लीनिंग पेन प्रोवाइड किया गया उसको यूज करके आप अपने पोर्स प्रो 2 को क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपने मोबाइल की पोर्ट्स को या फिर लैपटॉप की पोर्ट्स को क्लीन करना है, तो आप लोग इस मल्टी क्लीनिंग पेन को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स प्रो 2 की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जो बात आपको मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट के ऊपर की थी ना कि ये वाले एयरबड्स एप्पल को डायरेक्टली तौर पर टक्कर दे रहे हैं, तो इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई, काफी ज्यादा प्रीमियम है। बिल्ड क्वालिटी के मामले के अंदर अगर आप लोग इनको ऑफिशियल प्रोडक्ट से कंपेयर करते हो, तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। यहां पर एयरबड्स के केस के लिड के अंदर आप लोगों को किसी किस्म का प्ले देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल इनकी जो बिल्ड क्वालिटी ना, मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम और सॉलिड लगी। प्राइस के हिसाब से इनकी जो बिल्ड क्वालिटी ना, उसको पूरे पॉइंट्स ही जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कनेक्शन एंड कंट्रोल्स की, तो इनके अंदर आप लोगों को क्विक पेयरिंग ऑप्शन मिल जाता है। मतलब जैसे ही आप लोग इनको अनबॉक्स करके इनका लिड ओपन करोगे, तो आपका जो आईफोन है वो ऑटोमेटिकली इनको डिटेक्ट कर लेगा, आप लोग इजीली पेयर कर सकते हो। और जब आपके एयरबड्स पेयर हो जाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप लोग इनको दोबारा अपने केस से बाहर निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली विद इन मिली सेकंड आपका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। कनेक्शन इनका मुझे ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो इनके अंदर आप लोगों को सारे के सारे जो ऑफिशियल कंट्रोल्स हैं वो मिल जाते हैं। आप लोगों ने क्विक स्टार्ट गाइड को रीड कर लेना अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं लगती। और एक चीज मुझे ये भी इनके अंदर काफी अच्छी लगी कि इनके अंदर आप लोगों को जो स्लाइड टू वॉल्यूम कंट्रोल सेंसर है ना, वो भी मिल जाता है। मतलब कि आप लोग अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर स्लाइड करके ना वॉल्यूम को अप और डाउन कर सकते हो, जो कि काफी इफेक्टिवली सेंसर काम करता है। लाइक उसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं आता। जैसे आप लोग यहां से इंडिकेशन देते हो, तो आपके जो जेस्चर्स हैं उनको ये इजीली रीड कर लेता है। यहां पर जो सेंसर लगाए गए हैं वो भी काफी ज्यादा इफेक्टिवली आपके जेस्चर्स को, जो आपकी इनपुट होती है उसको रीड कर रहे होते हैं। तो कनेक्शंस इसके बिल्कुल परफेक्ट है और जो इसके कंट्रोल है वो भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे होते हैं। अब इस कैटेगरी की मैं प्रोडक्ट्स को ना चैनल के ऊपर कवर नहीं करता, उसकी दो रीजन है। पहली रीजन तो ये होती है कि वो किसी भी ऑफिशियल ब्रांड की तरफ से नहीं आ रही होती है। ऐसे भी कोई बंदा उठाता है चाइना से स्टॉक और पाकिस्तान के अंदर सेल करना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि टेक हंग को मैं काफी देर से खुद भी फॉलो कर रहा था, तो मुझे पता था कि इनकी जो रेपुटेशन है पाकिस्तान के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छी है। बात करने का मकसद ये है कि इस कैटेगरी के अंदर हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर, किसी किस्म का कोई भी बैकअप नहीं मिल रहा था, और जो फीचर्स वो लोग प्रॉमिस कर रहे होते हैं ना, उनका भी कोई खास अता पता नहीं होता। उन्होंने बस लिख दिए होते हैं और वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहे होते। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनके अंदर दी गई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की, तो मैं उसको लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस था। जब आप लोग इनको पहनकर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करते हो ना, तो बाहर का शोर बाहर ही रह जाता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही होती है। इनको मैंने डिफरेंट सिचुएशन के अंदर टेस्ट किया, हर जगह के ऊपर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको वेल परफॉर्म करती हुई नजर आती है। प्राइस के हिसाब से जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की परफॉर्मेंस है ना, मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगी। लाइक आपका जो 70-80% जो ज्यादा भी शोर होता है ना, वो बाहर रह जाता है। अगर आप लोग रूम के अंदर बैठे हो, तब तो किसी किस्म का कोई भी शोर आपको सुनाई नहीं देता, तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को पूरे पॉइंट्स ही जाते हैं। प्लस इनके अंदर
आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, मतलब ये है कि अगर आप लोग इनको पहनकर यूज करो, अगर आपसे कोई बंदा बात करता है तो आपको इनको निकालने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर जो माइक्स लगे हुए उस बंदे की आवाज को पिक करके बूस्ट करके आपको अंदर सुनाई देंगे, तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी मोड को आप लोग ने यहाँ पर टच करके एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद आप किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है प्लस जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो काफी ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी साउंड रिलेटेड प्रोडक्ट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो होती है साउंड की क्वालिटी, तो इनके अंदर जो साउंड का एक्सपीरियंस आप लोगों को होने वाला ना उसको आप लोग डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि काफी ज्यादा रिच साउंड आ रही होती है, काफी बैलेंस टाइप की साउंड मिलती है। लाइक जितने भी इक्विपमेंट्स बज रहे होते हैं वो सारे क्लियरली तौर पर सुनाई दे रहे होते हैं, चाहे आप लोग लोज की बात करते हो, मिड्स की या फिर हाईज की, अगर आप लोग फुल वॉल्यूम के ऊपर भी सुनते हो तो इनके अंदर जो बेस मिलती है ना वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होती है। ऐसे नहीं लगता कि कोई ऐसे अजीब सी बेस आ रही है, लाइक जो वेल साउंडेड स्पीकर होते हैं उस किस्म की आपको बेस मिलती है। आप लोग डेफिनेटली म्यूजिक को इंजॉय करने वाले हो, स्पेशली तौर पर जिनकी प्राइस है, प्राइस के हिसाब से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और जो साउंड का एक्सपीरियंस है ना आपस में जब आप लोग कंबाइन करोगे तो आप लोग डेफिनेटली म्यूजिक को इंजॉय करने वाले हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्स की क्वालिटी की, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ इनका मैं ऑडियो सैंपल शेयर कर देता हूँ, उससे आप लोगों को इनके माइक्स की क्वालिटी का भी आइडिया हो जाएगा। तो इस वक्त आप लोगों को ये जो आवाज आ रही है ये टेक हंग फोर्स प्रो 2 के माइक्स के थ्रू आ रही है। मैं एक वॉइस नोट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप लोग किसी को कॉल करते हो या फिर व्हाट्सएप पर वॉइस नोट वगैरह सेंड करते हो तो जो अगले बंदे को आवाज जाएगी इनके माइक्स के थ्रू इस किस्म की जाएगी, तो यहाँ पर आप लोग इनकी जो ऑडियो की क्वालिटी उसका आइडिया लगा सकते हो। और अगर बैटरी की बात की जाए तो इनके अंदर आपको मिलती है 699 mAh की बैटरी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बैटरी की कैपेसिटी है। जितनी भी मैंने साउंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आज तक टेस्ट किया ना इनके अंदर सबसे बड़ी बैटरी लगी हुई है, तो अगर आप लोग इनको नॉर्मल भी यूज करते हो आपका एक वीक इजिली निकल जाएगा। लेकिन बैटरी की बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, इनके अंदर वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी प्रोवाइड की गई है, तो अगर आप उसको भी यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और फाइनली अगर बात की जाए पोर्ट्स प्रो 2 की प्राइस की, तो इनकी प्राइस है 5850। इस प्राइस के ऊपर आपको तीनों की तीनों चीजें मिलेगी, मतलब के साथ में प्रोटेक्टिव केस भी मिलेगा और जो मल्टी क्लीनिंग पिन है आपको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। मेरी फाइनल ओपिनियन क्या है इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या ये वाली प्रोडक्ट एप्पल को टक्कर दे रही है बजट कैटेगरी के अंदर? तो ये डेफिनेटली दे रही है। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कि इसके अंदर आप लोगों को 3 महीने की ऑफिशियल वारंटी मिलती है टेक हंग की, जो कि आपको रिप्लेस करके देंगे अगर इस प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का कोई भी मसला आता है। प्लस इसके अंदर जितने भी फीचर्स प्रोवाइड किए गए ना वो भी मुझे काफी ज्यादा वेल परफॉर्म करते हुए नजर आए। लाइक इसके अंदर साउंड की क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है, काफी बैलेंस्ड और रिच टाइप की साउंड आ रही होती है, बूस्टेड बेस मिल जाती है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी काफी डिसेंटली परफॉर्म करती है, और इनके अंदर जो बैटरी लगी वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। प्लस जो सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो भी आप लोग इंजॉय कर सकते हो। लाइक इसके अंदर आप लोगों को फाइंड माय ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाता है, आप लोग इनके अंदर साउंड को प्ले कर सकते हो अगर आपके ईयरबड्स वगैरह रिप्लेस हो जाते हैं, और प्लस इनके अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक एयर डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप लोग उस फीचर को भी इंजॉय करने वाले हो। ओवरऑल जो प्राइस इनकी है, जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, जो साउंड की क्वालिटी है, मेरी तरफ से ये वाली प्रोडक्ट हाईली रिकमेंडेड है। जो बाय करने का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, आपको ये वाली प्रोडक्ट कैसे लगी आप लोग अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।